गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः
पुरदेवौ महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनश्लाघया चक्षुरमिलितं येन तस्मै चक्षुरमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अतुलितवरधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुज्ञानिनामाग्रगण्यं शकलगुरुनिधानं वानरानामदीशं रघुपतिप्रियभगवं वात्जातं नमः। रघुपतिप्रियदूतं वात्जातं नमः। Hare Krishna.
कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहित विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय 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 करुणावधे श्री महादेव शंभो। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमः।
पद्मासीनं समन्तास्तुतममगरे व्याघ्रकृतिं वशान् विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिने आनंद करते सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री रमण बिहारी आशुतोष नील लोहित सदाशिव भगवान विश्वनाथ परमादरणीय परम पूज्य पाद प्रातः स्मरणत श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए सभी संत वृंद विप्र वृंद के चरणों में नमन करते हुए आप सभी प्रभु प्रेमियों एवं भक्ति स्वरूपा माता और चैनल के माध्यम से कथा श्रवण करने वाले समस्त भक्तों को चरणों में नमन करते हुए सबको जय। भगवान शिव के परम नंदकेश्वर शरद कुमार को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं हे महामुनि भगवान शिव की अति निर्मल कथा अति पवित्र कथा मैं आपको श्रवण कर रहा हूं। मैं आपको भगवान के दशावतार का वर्णन करते हुए नंदकेश्वर ने शनकादि ऋषियों को कहा दशावतार में भगवान शिव के सबसे पहला अवतार महाकाल जो अपने भक्तों को समस्त प्रकार के सुख प्रदान करते हैं और काल के भय से मुक्त करते हैं। जो महाकाल का निरंतर सेवा करता है कहते हैं अकाल मृत्यु उसकी जो काम करे चंडाला काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल तो जो भगवान महाकाल का अनन्य भक्त उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नंदकेश्वर कहते हैं कि भगवान महाकाल समस्त कामनाओं को देने वाले
दूसरा अवतार है भगवान का तारा। जो भगवान के तारा रूप है अपने भक्तों को सुख और शांति प्रदान करता है। तीसरा अवतार है भगवान का भुवनेश, जो अपने भक्तों को सभी प्रकार के कामनाओं को पूर्ण करता है। चौथा अवतार है षोडश, जो अपने भक्तों को समस्त पापों को निवृत्त करके और आनंद प्राप्त कराता है। पांचवा अवतार है भैरव, जो भगवान के भैरव भगवान अपने भक्तों को सुख और शांति प्रदान करता है। छठा अवतार है छिन्नमस्ता, और सातवां अवतार है धूम्रबान, आठवां अवतार है बगला, नौवां अवतार है मातंग और दसवां अवतार है भगवान शिव का कमल, जो कमल भगवान शिव का ध्यान करता है, अर्चन वंदन करता है, भगवान शिव कहते हैं, नंदकेश्वर कहते हैं, हे शनकादि भगवान शिव सभी मनोकामनाओं को उसको पूर्ति करते हुए परम पद को प्रदान करते हैं। नंदकेश्वर ने कहा, हे मुनि, मैंने आपको भगवान की मंगलकारी अवतारों दशावतारों का वर्णन किया, मैं अब आपको भगवान की एकादश अवतारों के वर्णन कर रहा हूं। एक बार कश्यप जी महाराज पूर्व समय की बात है, इंद्र अपनी राजधानी अमरावती छोड़ करके चला गया। कश्यप जी महाराज बहुत खोजे, जब नहीं मिले इंद्र तो अतिशय व्याकुल हो गए। और अतिशय व्याकुल होकर के भगवान शिव की आराधना पूजन की, तब 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 कठोर तप कश्यप ऋषि के तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव प्रकट कर गए। ऋषि, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं,
आप हमसे वरदान मांगो। प्रभु आप एक ही वरदान हो, आप मेरे पुत्र के रूप में मेरे घर में पधार। जब कश्यप ऋषि ने कहा तो भगवान शिव ने तथास्तु कह करके अंतर ध्यान हुए, कुछ दिन पश्चात कश्यप ऋषि के घर में एक सुंदर सा बालक अवतरित हुआ। कश्यप ऋषि ने उसका नाम सुरभि रखा। तो ये जो एकादश भगवान के जो अवतार है, सुरभि अवतार है, नंदकेश्वर कहते हैं महामुनि एक बार, क्योंकि मैंने आपको भगवान शिव की एकादश अवतारों का वर्णन किया, अब मैं आपको ऋषि दुर्वासा के चरित्र का वर्णन कर रहा हूं। पतिव्रता अनुसुईया और अत्रिजी के मन में आया कि कोई पुत्र प्राप्त हो जाता तो हमारे जीवन सार्थक हो जाता, और पुत्र प्राप्ति के लिए अत्रि ऋषि तप कठोर तप, देखो एक बात ध्यान देना और हम लोग श्रवण भी कर रहे हैं, इस शरीर को जितना आराम दोगे तो शरीर तो आराम चाहेगा ही चाहेगा। लेकिन शरीर को आराम देने से तुम्हें कुछ प्राप्त हो नहीं होगा। शरीर आराम देने के लिए नहीं है, या इस शरीर से आराम करने के लिए नहीं है, इस शरीर से हमें कुछ करना है। हमें कुछ प्राप्त करना है, बार बार पुराण में कहा जाता है कि मानव को, मनुष्य को ये विचार कर लेना चाहिए कि हमारे इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है। आठ घंटे तक लोग मोबाइल चलाएंगे, थकेंगे नहीं,
कहीं भी बैठे रहेंगे तो मोबाइल हाथ से नहीं बंद होगा, लेकिन नहीं थकेंगे। और 10 मिनट के लिए अगर माला पकड़ ली जाए तो दृष्टि भी थक जाएगी, मन भी थक जाएगा और शरीर भी थक जाएगा। जो हमारे जीवन के लिए अति उपयोगी है। कई बार लोग कहते हैं, अरे अभी कोई उम्र है भजन करने का, अभी कोई उम्र है पूजा करने का, पाठ करने का, ये तो बुड्ढों का काम है। लेकिन मेरे भाई, अंतराम मुख आवत नाम, जैसा अभ्यास तुम्हारा हो गया है, तुम्हारी प्रवृत्ति बन गई है, बाद में तुम लाख प्रयत्न करो उसे बदलने का नहीं बदल सकते। करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निसन। अभ्यास न पौनते, अगर शुरू से ही हम अभ्यास करते रहेंगे तो अंत में संसार का ध्यान नहीं होगा, परिवार का ध्यान नहीं होगा, ध्यान किसका होगा? भगवान शिव का। ये मणि नाम है ना, ये मणि राम से सावधान रहना, अंतिम क्षण तुम चाहो कि कुछ मैं कर लू, आंख से दिखाई नहीं देगा, मुंह से बोल नहीं पाओगे, हाथ पैर तुम्हारे कांपते रहेंगे, क्या कर पाओ, क्या भजन कर पाओ, क्या चिंतन कर पाओगे, क्या स्मरण कर पाओ। इसलिए कर ले सो काम और भज ले सो राम, यही तुम्हारा है, तुम्हारी जीवन की संपत्ति यही है। तुम्हारे साथ यही संपत्ति जाएगा, ध्यान रखना। यहां के कोई भी वस्तु काम आने वाला नहीं है, ये मोबाइल के गेम तुम्हें काम नहीं आएंगे मेरे भाई, काम तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Oh,
ना जाने सास को आवन हो या न हो, ना जाने इस सास को आवन हो या न हो। ओम नमः